हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए के मैथ्स के लिए क्या एक स्टूडेंट की सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर वो कर पाए। तो जैसा कि अगर बात करें यूपीएससी एनडीए मैथ्स के लिए, तो क्वेश्चन पेपर में देखिए दोस्तों, आपको 120 क्वेश्चन वहाँ पर मिलने वाले हैं और टाइम रहेगा 2 आवर 30 मिनट्स और मार्क्स रहेगा 300। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो सिलेबस देखिए आपके सामने है मैथमेटिक्स का, ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर पर देखिए यहाँ पर सेट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 3D ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और फंक्शन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और इसके अलावा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप कह सकते हैं, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, तो अमूमन सिलेबस तो देखिए आप सभी के पास होगा ही, लेकिन किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम को पढ़ना है जिससे कि आप मैथमेटिक्स के पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर। पहले देखिए आप, अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, पहले आपने पढ़ रखी हैं चीज़ें, क्योंकि ये एनडीए का जो पेपर है इसमें जो मैथमेटिक्स है आप कह सकते हैं कि बहुत ही इजी मैथमेटिक्स ये नहीं है। तो जिन कैंडिडेट्स का मैथ वीक है उनको फिर काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, तो नहीं। मान लीजिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा वीक हैं तो फिर आपको 6 महीने या 7 महीने लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि ये इतना टाइम दोस्तों क्यों लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी वो भी क्लास 11th की और क्लास 12th की। देखिए क्लास 12th की एनसीईआरटी एक है जिसमें 16 चैप्टर हैं, ठीक है, और क्लास 12th में 2 एनसीईआरटी है, तो कुल आपको कितनी किताबें पढ़नी है, 3 किताबें, ठीक है। इन 3 किताबों के अलावा दोस्तों आपको चौथी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 किताबें पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जा सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं और एनडीए में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मैथमेटिक्स के पेपर में, ठीक है। तो अलग से आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई ये भी कहता है कि आप ये वाली बुक पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, नहीं, आपको अपने बेसिक्स पर काम करना है। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, कि कई बार स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर 10th की एनसीईआरटी भी पढ़ें। अब ये तो आप सोचिए कि 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है या नहीं। अगर 10th की एनसीईआरटी अगर आपको नहीं आती तो अब ऐसी बात है कि फिर 11th की चीज़ें भी आपको नहीं समझ में आएंगी। देखिए कोई स्टूडेंट अगर वीक है तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकता, पास नहीं हो सकता। विल पावर अगर आपके पास है दोस्तों तो कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो अगर 11th में भी प्रॉब्लम है तो 10th वाले लेवल पर आइए, 10th में भी प्रॉब्लम है तो 9th वाले लेवल पर आइए, और 9th में भी प्रॉब्लम है तो फिर आप और नीचे लेवल पर आकर चीज़ों को पढ़िए। टाइम आपको लगेगा 1 साल 6 महीने 7 महीने, तो उन चीज़ों को आप इजीली फिर कर पाएंगे। सिलेबस बड़ा है देखिए, तो अगर कोई कैंडिडेट अच्छा खासा 11th 12th में नॉर्मली एवरेज भी अगर पढ़ा है तो अमूमन इसको पढ़ने में आपको देखिए 3 महीने तो लगेंगे ही, ठीक है। तो ये जो सामने आपके लिखा हुआ है यहाँ से देखिए 120 क्वेश्चन आने हैं टोटल, और इस बार देखिए ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए। इस बार मैंने पेपर देखा एनडीए का, तो ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और कुछ एक चुनिंदा टॉपिक यहाँ पर ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा वेटेज एग्जाम में क्वेश्चन का रहता है। तो आपको एरिया हिट करना है, ठीक है। पूरा अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कुछ एरिया ऐसे चुनिए जिसमें आप परफेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत एक्सपर्ट है, स्टैटिस्टिक्स में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में वही स्टूडेंट एक्सपर्ट होगा जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी, है ना। तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ना है। और आप मान लीजिए अगर आपने कोई टॉपिक मिस किया है तो उसको आपको लॉस ज़रूर होगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एरिया आपको टारगेट करना है कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, और इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया
तो मुझे वो फिर क्वेश्चन करना ही करना है। देखिए क्या आपको 120 में से 120 करने, नहीं अगर आप 80 क्वेश्चन करेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो जो बच्चे वीक रहे हैं किन्हीं टॉपिक्स में, पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक्स सभी के अच्छे नहीं होते अमूमन, तो उनको आप छोड़ सकते हैं और बाकी टॉपिक्स पर आप अपना फोकस रखिए ताकि वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो वो आपका ना छूटे, ठीक है। और मान लीजिए सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप दोबारा से पढ़िए, 3 महीने में दोस्तों ये मैथमेटिक्स आप कवर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो डिफरेंस फील करिए आप। और जैसे कि देखिए कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर कि क्या 3 महीने में सर आप पूरा करा देंगे, क्या 3 महीने में आप, देखिए अब देखिए 3 महीने में एनडीए का मैथ अगर कराना है और सिक्वेंस एंड सीरीज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस चैप्टर को मैं कर लूँ तो यहाँ पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और फिबोनाची सीरीज आप कह सकते हैं। तो अगर किसी ने 10th में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा तो फिर यहाँ पर उसको 11th में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो अगर किसी स्टूडेंट की कैचिंग पावर अच्छी होगी तो आप मान के चलिए उसको समय कम लगेगा, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है और क्या वो चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं। देखिए एनडीए की तैयारी में आप जब भी आए, जब आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, अगर आप ऐसे ही मन कर रहा है कि बस ज्वाइन कर लेते हैं पढ़ लेंगे मैथ, नहीं। देखिए 11th और 12th दोस्तों 2 साल का मैथ आप 3 महीने में कैसे पढ़ेंगे, तब ही पढ़ पाएंगे जब आपने पहले वो पढ़ रखा होगा तब, ठीक है दोस्तों। एक चीज बिल्कुल दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये एफकेट का मैथ नहीं है जहाँ पर आपके 7-8 टॉपिक हैं केवल और इजीली हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप एफकेट के लिए भी जाएंगे, एनडीए वाले तो कैंडिडेट 16.5 से 19 एज होता है उनका, तो प्रीवियस ईयर्स की चीज़ों को और अपने बेसिक्स को आपको पढ़ना है। और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी यहाँ से दोस्तों नहीं आएगा, ठीक है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए आपको 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है, तो जैसे कि हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करते हैं कई बार, तो अलग अलग मेथड उसमें दिए होते हैं बुक में, लेकिन अगर आप देखिए एनडीए के पेपर में आए तो आप बस आंसर तक आपको पहुंचना है, तो कुछ उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ें तो वो फिर और दूसरे चैप्टर्स में भी आपकी क्या करते हैं दोस्तों, हेल्प करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए। और अभी हमारा बैच आ रहा है एनडीए का 25 तारीख से, जिसमें मैथमेटिक्स की क्लास शुरू होगी, उसमें आप सभी आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।